कितनी गाय है? गौमूत्र दिखाना आपको है? लेके चलूंगा अभी, ठीक है। क्या गौमूत्र? हाँ वो गौमूत्र देखने के लिए बोल रहे थे। तो फायदेमंद है? हाँ बिल्कुल फायदेमंद है। क्या क्या बीमारी दूर होती है उससे? 136 बीमारी होती है, नाम का पता नहीं। तो हॉस्पिटल में गौमूत्र की सप्लाई शुरू करवा दे? नहीं, गौमूत्र अगर पकड़ो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हॉस्पिटल जाने की जरूरत? डॉक्टर साहब जो लूट रहा है दवाई दे दे के सब बंद। ये एक घर में एक गौ माता रखो, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है, देसी गौ माता। तो आप कितना गौमूत्र का सेवन करते हैं रोज? कितना? एक पैग लेते हैं हम। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कितने लोग, कितने लोग वो चलाते हैं आप लोग गौ आश्रम? कितने लोग चलाते हैं गौशाला? अरे गोरक्षक रोड पे जो, रोड पे जो, अरे तो गौशाला भी तो चलाते होंगे। गोरक्षक, गोरक्षक का मतलब समझे सर? गोरक्षक गाय। अच्छा एक बताओ, जो जहाँ गाय टूटी भागी वगैरह वगैरह गाय पड़ी रहती है उनकी ये सेवा? इनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अरे कुछ नहीं होने वाला, कौन को हत्या बंद करवा देंगे क्या यार? ये अरे गौ हत्या आप लोग बंद करवाएंगे? हम करवाएंगे। सवाल से भाग रहे हैं? अरे यार सवाल से भाग रहे हो यार, सवाल जवाब कर ले। अरे भाई साहब हमारे साथ में। अच्छा हम मजा ले रहे हैं? निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते? कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता? कमेंट्री और किधर कर ले भाई? कमेंट्री और किधर कर? तमीज से बात करो, सुनो ना। ए भाई, सुनो ना। ए भाई कोई बात नहीं, सुन लो इधर, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, आराम से बात करो, फायदे में रहोगे। हम भाग नहीं रहे। कौन है भैया ये? सभी तरह के गौ रक्षा करोगे ना, हमला करोगे आदमी पर? अरे सुनो सुनो, देखो अरे वो बदतमीजी तो कर रहा है। तो आप लोग दूध नहीं मूत्र का सेवन करते हो? करते हैं सेवन, करना चाहिए, रोग भी हटते हैं। ये रियल में सही है, ये सत्य है। इसके लिए मैं कभी फ्री होके आपको इंटरव्यू दूंगा एक घंटे का। मैं बात चलना हमारे साथ, मतलब क्यों जाना पड़ेगा? यहाँ बात करो, यहाँ आए हो आप लोग। देखिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप गाय का मूत्र का सेवन करें, एकदम ध्यान दे लीजिए, बिल्कुल सेवन मत कीजिएगा, बीमारी होती है। ये गौ रक्षा के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है और ये लोग हैं, सोचिए इस देश में गाय को लेकर पिछले 100 साल से राजनीति हो रही है। क्या नाम है आप? मेरा नाम दिवाकर चौहान है। दिवाकर जी बताइए, कल कोई, मैं मछली पालता हूँ, कल कोई मुझे आके मुख्यमंत्री कह दे कि मछली हमारी फुगा है, मछली खाना पाप है, तो मछली का व्यापारी कहाँ जाएगा? का नाम सुने हो क्या? गोवा? गोवा भारत में? गोवा केरल का नाम सुने हो? वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे, गाय हमारी माता है। रुको जरा, सबर करो, कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है तो ये क्या बात जो है? ये गलत है, ये गलत है। ये बताओ ना, एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। भैया मुंह कल जाएगा हमारा ऐसा करेगा तो। मेरी हमारा बाप है, हमारा बाप है, ये आप इधर करिए। हमारा बाप सांड नहीं है यार, हमारे बाप हमारे बाप है। तुमसे ना हो पाएगा। और ये बताओ यार भाई साहब, तुम बी फार्मा कर रहे हो जी? अब पूरा नाम क्या है? दिवाकर चौहान। तो एक बार बताओ दिवाकर, इसी देश में पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा केरल, पूरा गोवा सब गाय खाता है, वहाँ बीजेपी की सरकार है जी? पता है मणिपुर में बीजेपी की सरकार है? देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि अगर गाय बुजुर्ग हो गई तो छोड़ दे? क्यों छोड़ दे? माँ बाप बुजुर्ग बता। अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे है? यही तो समझा रहा हूँ। गाय में सुनो मेरी बात, मैं गाय पालता हूँ, गाय मैं बेच लूंगा बाद में मेरा मन होगा तो। जब नहीं कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में, ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है, तुम गाय से पैदा हो? मैं योगी जी कितना गाय पालते हैं? अरे बहुत गाय दिए थे, खर्चा दे रहे हैं। योगी जी दिखावा ज्यादा करते हैं, सामने कैमरा जब तक जाएगा नहीं तब तक गाय के पास बुलाएंगे नहीं योगी जी। गौशाला में गाय वैसे ही मर रही है। तो स्कूल चाहिए कि गौशाला चाहिए तुम? हमें सब कुछ चाहिए। लवड़े ने भोजन नहीं, एक बात बता, अगर मान लो दो ऑप्शन है, एक स्कूल का और एक गाय का, गौशाला का, तो तुम क्या बनवाना चाहोगे? देखिए नहीं सुनो, सवाल मेरा है, सवाल तो सुनो। अगर एक स्कूल का ऑप्शन है, 1,00,000 रुपया है, एक स्कूल बन सकता है या एक गौशाला बन सकता है, तुम पहले क्या बनवाओगे? मैं तो वैसे पहले स्कूल चाहूंगा।
और दूसरी बात, अगर गौशाला, अच्छा एक बात और सुनो, एक बताओ, तुम पुजारी बनना पसंद करोगे, गौ सेवक या इंजीनियर डॉक्टर? मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा। तुम अपना इंजीनियर बनना है, तुमको स्कूल खोलना है, गाय तुम्हारी माता है, हमारी भी चल रही है। जो जिला रहे हैं काहे छोड़ रहे हैं गाय को, है? जब नील गाय का दे रही है, एक मिनट शांत रहो, जब तक दूध दे रही है तब तक तो गाय को रख रहे हैं, तक अच्छी उसके बाद तो इंसान ही छोड़ रहे हैं कि मोदी छोड़ रहे हैं कि मोदी अरे छोड़ दीजिए गाय को। तुम दीने में पिए हुए हो क्या? अरे अरे पिए हुए यार, उसका मुंह महक रहा है, हम कहीं जापान से आए हैं, देखो उसको सुन के यार, अरे दारू पिए हुए है, गुंडाई मत करो, सुनो दारू पिए हुए, देखो इसको दारू पिए हुए यार। अरे मैं नहीं पिया हूँ सर, आपको सवाल का जवाब दिया। अरे दारू पी के पब्लिक प्लेस पे बात करना अपराध है यार, इसमें यहाँ पे बहुत लोग पी के रहे हैं, किसको किसको रोकोगे? अभी पिए हुए किसको रोकोगे? हाँ एक बताओ, सुनो देखो कौन कौन पिया, पता चल जाएगा आपको। तुम लोग गौ भक्त हो और दारू पीते हो? दूध पीने के बाद क्यों छोड़ रहे हो? देखिए अरे कितना पढ़े लिखे हो? हम इंटर पढ़े हैं। क्या करते हो? हम डॉक्टरी करते हैं। इंटर पढ़ के डॉक्टरी कैसे कर ली? मैं नहीं बताऊंगा, घर पे खाता पीता हूँ मेरा सदस्य। देखिए हाँ चलो अब ठीक है, तुम्हारी बात सहमत हो गए, हम तुम्हारी बात मान लिए। अरे मान लिए भाई, अब सुनो, गाय वोट दे रही है भाई साहब अभी यूपी में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ट्राइपॉड और नल्ला आईफोन लेके साइकोपंती करो और बन जाओ आइकॉन। नमूने बेटा भरे पड़े जूम में सभी धूम मचा रहे, यहाँ पर हरे भरे चूसे जैसे हूँ भगा रहे हैं तू आड़ी टेढ़ी बुलेट इनके झूम को देखो छोटे बनी मेरी धुने सोचो उम्र से बड़ी बड़ी बातें कहे मुझसे कार्टून के जैसे फनी सारे नमूने मानसून में जैसे मशरूम यहाँ बस घूम रहे हैं जो जंगली पौधे हो गए।